तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा चैनल जो है वो कुछ दिन पहले हमारे ही हाथ से इसी पीसी से मेरे से डिलीट हो गया था और जो आज आपके सामने ये रिकवर हो गया है। और आपको मैं बता दूं गाइस, सबसे पहले अगर आपका भी चैनल डिलीट हो जाता है या फिर ऐसा ना हो, अगर गलती से आप अपना चैनल डिलीट कर देते हैं तो भाई आप अपना चैनल कैसे रिकवर कर सकते हैं। भाई मैं ब्रांड अकाउंट की यहाँ पर बात नहीं करने वाला, क्योंकि ब्रांड अकाउंट तो सिर्फ एक स्टेप में रिकवर हो जाता है और यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। यह जस्ट 2 मिनट का काम है ब्रांड अकाउंट को रिकवर करना, लेकिन मेरा जो चैनल था वो एक ब्रांड अकाउंट नहीं था, वो नॉन ब्रांडेड यूट्यूब चैनल था। तो मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि भाई आप नॉन ब्रांडेड यूट्यूब चैनल्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं मेरे तरीके से बताऊंगा, जिस तरह से मैंने अपना किया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारा चैनल जो है वो नॉन ब्रांडेड था और हमसे परमानेंटली डिलीट हो गया था, और जो आज आपके सामने रिकवर होकर ये आ गया है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई अपने चैनल्स को कैसे रिकवर किया, उस पर एक वीडियो बनाओ। तो चलिए, मैंने 2 तरीके से इस चैनल्स को रिकवर किया था। अब सबसे पहले गाइस मैं बता दूं कि जो है वो मैं फर्स्ट में सबसे पहले जैसे ही मेरा चैनल डिलीट हुआ, उस टाइम पे मेरा जीमेल आईडी वर्क कर रहा था YT स्टूडियो में। तो मैंने उसी जीमेल आईडी से यूट्यूब को जो है वो चैट स्टार्ट की और मैंने अपनी सारी जानकारी बताई कि भाई मेरे से बाय मिस्टेक मेरा चैनल डिलीट हो गया है, आप उसको रिकवर कर। तो भाई यूट्यूब ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है कि भाई ये हमारी पॉलिसी में ही नहीं है कि अगर आपका चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है तो आपका चैनल हम रिकवर कर सकें, क्योंकि आपने खुद से वो डिलीट किया है तो हम इसको बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई पॉलिसी में नहीं है कि जो नॉन ब्रांडेड यूट्यूब चैनल्स है वो डिलीट परमानेंटली होने के बाद भी रिकवर हों। सो गाइस, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैड फील हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा मैंने ट्राई किया कि भाई जिसकी वजह से आज ये चैनल आपके सामने है। तो उसके साथ ही हमने 2 तरीके आजमाए। एक मेरे फ्रेंड से BMR टेक जी प्रमोद भाई, उन्होंने अलग एक तरीका आजमाया और मैंने एक अलग एक तरीका आजमाया। सो गाइस, तो वो क्या है कि हमारी एक टीम है, उन्होंने BMR टेक जी जो हैं उन्होंने मेरा यूट्यूब से क्या किया कि डायरेक्टली आप स्क्रीन शॉट देखते हैं कि उन्होंने ट्विटर पे यूट्यूब को एक मैसेज किया, फिर ट्विटर की तरफ से जो है उनका रिप्लाई आया, फिर उन्होंने किया, यह सब इनका चलता रहा काफ़ी। आप देख सकते हैं सारे वैसे स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं ट्विटर के। अब इसके साथ साथ ही मैंने क्या किया कि भाई मैंने कुछ एक ऐसा ट्रिक लगाया जो मैं शायद इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा तो भाई काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है जो मैंने वहाँ पर उपयोग किया था। तो उसके लिए आप क्या है कि मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो 100% मेरा चैनल टर्मिनेट यहाँ पर होने वाला है। अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, डिलीट हो गया, वैसे बार बार टर्मिनेट टर्मिनेट ही आ रहा है क्योंकि पता नहीं। तो अगर आपका चैनल डिलीट होगा भाई आप इंस्टाग्राम पे आइए, 100% मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई दिक्कत नहीं, और अगर यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा तो यूट्यूब मेरा चैनल एक दिन के अंदर ही गायब कर देगा। तो भाई इतने बड़े रिस्क में यहाँ पर नहीं ले सकता, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। तो सबसे पहले मैंने वो किया जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद यूट्यूब ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से, तो भाई मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। यूट्यूब ने बोला कि ठीक है, हम 24 घंटे बाद आपको मेल करते हैं। तो यूट्यूब उसके बाद क्या करेगा कि भाई आपको 13 से 14 क्वेश्चंस भेजेगा। तो 13 से 14 क्वेश्चंस वो ऐसे भेजेगा कि जो सिर्फ एक क्रिएटर ही जान सकता है, क्रिएटर के अलावा कोई भी उन क्वेश्चंस को नहीं जानता। तो भाई मेरे को चलो थोड़ा बहुत वहाँ पर खुशी हुई कि चलो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। उसके बाद मैंने उनके आंसर दे दिए। दूसरे दिन उसने 6 से 7 क्वेश्चन फिर से भेज दिए। मैंने बोला यार पता नहीं कितने क्वेश्चन और करेगा। तो जैसे ही मैंने वो 6 से 7 क्वेश्चन दिए, अब 2 दिन हो गए ना कोई रिप्लाई ना कुछ, ट्विटर पे भी रिप्लाई नहीं आया और हमारा मेल पे भी नहीं आया। अब क्या हुआ कि मैं वैसे ही नॉर्मल, मैंने अपना नया चैनल तो क्रिएट कर ही लिया था, तो भाई उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आज की डेट में वो ब्लॉक चैनल है, तो जाइए और उसको सपोर्ट कीजिए। तो मैं उस चैनल पर ऐसा ही कुछ सर्च कर रहा था सेटअप टूर करके, तो भाई मैंने जैसा ही सेटअप टूर सर्च किया तो मेरे को मेरा वीडियो मिला। मैंने सोचा यार यूट्यूब ने एक तो मेरा चैनल डिलीट हुआ चैनल रिकवर नहीं करा और मेरा वीडियो मेरे सामने ही बता रहा है। फिर मेरे एक दिमाग में एक बात आई कि गाइस अगर मेरा वीडियो डिलीट है तो इसका थंबनेल मेरे को क्यों दिख रहा है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो वीडियो प्ले हो गई। अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी वहाँ पर हुई कि चलो भाई मेरा चैनल जो है वो रिकवर हो गया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, आपको पता है क्या? चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
और मैं ऐसे मेरी कहानी नहीं सुना रहा, अगर आपका चैनल सिर्फ डिलीट हो गया है तो आप ये पूरा ट्रिक आजमा सकते हैं, और नहीं हो रहा तो 100% मैं आपका चैनल ला के दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा अब यहाँ पे जानकारी मिल गई है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना चैनल ओपन किया तो देखा मेरा चैनल आ चुका था, बस कुछ वीडियोस नहीं आई थी, तो वो भी धीरे धीरे करके सब रिकवर हो गई थी। सो गाइस, तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, आपको 100% मैं बता दूंगा कि वो मैं क्या ट्रिक है, बाकी तो आप यहाँ से देख ही लिए होंगे। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। सो बस, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।